सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। हम लोग पार्ट 7 डामन और पिथियस पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा कि वापसी में पिथियस के ठीक समय पर न पहुंच सकने के कारण डामन को फांसी के मचान पर चढ़ा दिया जाता है। डामन बहुत प्रसन्न है कि उसका जीवन उसके मित्र के काम आ रहा है। उधर पिथियस भी बहुत परेशान है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसके मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। मतलब जल्लाद जब डामन को फांसी देने के लिए तैयार हो गया तब पिथियस आकर पहुंच गया और दूर से चिल्लाने लगा कि ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे सुनाई गई है तो फांसी मुझे ही होनी चाहिए। देखते ही देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। ये कहते कहते पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ वहीं पर आ पहुंचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया। उसने डामन को गले से लगा लिया तो वो घोड़े से झट से कूदकर डामन के गले से फांसी के फंदे को निकाल लिया और डामन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों की आंखों से ही आंसू बहने लगे क्योंकि दोनों ही अपने मित्र के लिए जान देना चाहते थे। अब पिथियस ने वो फंदा अपने गले में डाल लिया और पिथियस ने क्या किया, डामन के गले से फंदा निकालकर अपने गले में डाल लिया। राजा चिल्लाया, और यह सब कुछ कौन दिख रहा था? दिख रहा था राजा, अत्याचारी राजा। तो यह सब कुछ देखकर राजा भी चिल्लाने लगा, रुको रुको, मेरे पास आओ, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। तो राजा को सब कुछ समझ में आ गया कि ये दोनों बहुत ही सच्चे मित्र है और राजा को के मन में भी क्या हुआ, दया के भाव जागा। तो राजा ने चिल्लाकर कहा कि रुको रुको, जल्लाद से कहा कि रुको, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले, मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। तो उसके बाद राजा ने डामन और पिथियस से क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे भी अपना मित्र बना ले क्योंकि मुझे भी आप दोनों जैसे मित्र की बहुत आवश्यकता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे और राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो दोनों की गहरी और सच्ची दोस्ती देखकर क्या हुआ, राजा का दिल भी पिघल गया और उन्होंने क्या किया, फांसी की सजा माफ कर दिया और डामन और पिथियस के साथ स्वयं मित्रता करना चाहता था। तो बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़ना और दिए गए होमवर्क को भी अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।